नमस्ते दोस्तों, ग्राफिक्स ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज फोटोशॉप का एक नया ट्यूटोरियल लेके आपका पास हाजिर हुई हूँ। तो आज मैं जो देखने जा रही हूँ वो है एक लाइटिंग बैकग्राउंड इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा ट्यूटोरियल। सबसे पहले हमको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने होगा, तो इसीलिए मैं फाइल पर जाऊँगी। फाइल से मैं न्यू बटन में गया, न्यू ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन हुआ है विथ देखिए 1280 पिक्सल एंड हाइट 720 पिक्सल रख के मैं ओके किया। तो देखिए इधर एक बैकग्राउंड आ गया। तो इसके बाद हमको इधर कलर देके फिल करने होगा, इसीलिए मेरा कीबोर्ड का देखिए दोनों बॉक्स है कलर का, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर बॉक्स। तो मैं जस्ट फोरग्राउंड कलर बॉक्स में जस्ट क्लिक किया, तो देखिए इधर मैं देखिए पिंक कलर सिलेक्ट करके ओके किया। इसके बाद मेरा कीबोर्ड का ऑल्ट प्लस बैकस्पेस की मैं प्रेस किया, देखिए इधर कलर हो गया। तो इसके बाद देखिए हमको ब्रश टूल सिलेक्ट करने होगा, तो देखिए मैं ब्रश टूल में सिलेक्ट किया, देखिए कलर हमको चुनने होगा। तो मैं देखिए इधर ग्रीन कलर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ओके किया। तो इसके बाद देखिए ब्रश टूल सिलेक्ट किया, ब्रश साइज़ के थोड़ा सा बढ़ा के देखिए मैं 900% रखी हूँ। देखिए ब्रश साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर लिया, तो जस्ट ब्रश साइज़ बड़ा करके जस्ट देखिए इधर क्लिक किया, तो देखिए इधर कलर आ गया। तो इसके बाद देखिए फिर से मैं हमको कलर चुनने होगा, तो मैं देखिए रेड कलर सिलेक्ट किया, रेड कलर सिलेक्ट करके ओके किया। तो ब्रश साइज़ के थोड़ा सा कमा के देखिए जस्ट इधर क्लिक किया, तो देखिए रेड कलर आ गया। इसीलिए देखिए फिर से मैं कलर बॉक्स में फोरग्राउंड कलर बॉक्स से क्लिक करके देखिए मैं ब्लू कलर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके ओके किया। तो ब्रश साइज़ थोड़ा सा कमा के देखिए जस्ट इधर क्लिक किया, देखिए कलर आ गया। तो इसके बाद फिर से मैं फोरग्राउंड कलर बॉक्स में क्लिक किया, फिर फोरग्राउंड कलर बॉक्स में मैं येलो कलर सिलेक्ट किया करके ओके किया। ब्रश साइज़ थोड़ा सा कमा के देखिए जस्ट इधर क्लिक किया, तो देखिए कलर आ गया। तो इसके बाद लेयर को सिलेक्ट करके हमको हम देखिए मैं फ़िल्टर पे जाऊंगी, फ़िल्टर से मैं देखिए स्टाइलाइज, स्टाइलाइज से मैं एक्सट्रूड ऑप्शन में गया। तो देखिए इधर एक बॉक्स आ गया, टाइप देखिए ब्लॉक्स, साइज 5 पिक्सल एंड डेप्थ 100% एंड देखिए रैंडम सिलेक्ट करके मैं ओके किया। तो देखिए इधर लाइटिंग इफेक्ट देखिए प्रोग्रेस शुरू हो गया, तो देखिए लाइटिंग इफेक्ट आ गया। तो देखिए सेम एक लाइटिंग इफेक्ट मैं इधर क्रिएट किया, तो कैसे करके क्रिएट किया वो मैं दिखाई दिया। तो दोस्तों इसके बाद हमको इमेज को सेव करने होगा, सेव करने के लिए मैं फ़ाइल पे जाऊंगी, फाइल से मैं सेव सेव ऑप्शन में गया, डेस्कटॉप में सेव करूंगी, फॉर्मेट जेपीजी ऑप्शन रख के नाम देने होगा। तो नाम देके मैं सेव किया, तो देखिए जेपीजी ऑप्शन का एक बॉक्स ओपन हुआ है, मैं ओके किया। तो मेरा डेस्कटॉप में ये वाला इमेज सेव हो गया, तो ये वाला इमेज मैं ओपन किया। तो देखिए ये वाला इमेज एक लाइटिंग बैकग्राउंड इफेक्ट है जो मैं फोटोशॉप में क्रिएट किया। तो दोस्तों आज यही था मेरा ट्यूटोरियल। आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर भी मुलाकात होगी, तब तक ये गुड बाई।